नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभावी। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के लखनऊ में बहुआ परिवार वालों के उत्पीड़न से परेशान सास ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार। फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर आए दिन परिवार वालों को किया जा रहा परेशान। उत्पीड़न का शिकार पति मानसिक रूप से हुआ बीमार, पैर भी हुआ खराब। पत्नी के भाई पुलिस में फर्जी शिकायतें दर्ज करवाकर आए दिन करवाते हैं प्रताड़ित। पत्नी के परिवार वाले पीड़ित परिवार से कर रहे हैं 6.25 लाख रुपए की मांग। पीड़ित पति व परिवार ने प्रताड़ना से तंग आकर लगाई आला अधिकारियों से न्याय की गुहार। थाना बाजार खाला क्षेत्र के पुराने हैदर का मामला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। क्या घटना घटी है? आपको कौन परेशान कर रहा है? क्या मामला है? मेरे साथ घटना घटी है। मेरी जब से शादी हुई है उसको ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। किस चीज को लेकर परेशान कर रहे हैं? यही कि जो है तुम जो अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे घर को पूरा तबाह कर देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे, तुम्हें कौड़ी का तीन कर देंगे। तो क्या कोई पुलिस पुलिस भी आपके घर आती परेशान करने? पुलिस इतनी आई है कि मैं भाग भाग के कहाँ खा सोया हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता। किस तरह के इल्जाम लगाए हैं उन्होंने आप लोगों के ऊपर? इल्जाम तो ये लगाए हैं कि खिला नहीं पा रहे हो और बिठान नहीं पा रहे हैं, और जबकि आप देखने ही वाले हैं कि मेरे घर में खाना पीने की कमी नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर आपको और बल्कि मेरे हमको इतना टॉर्चर कर दिया है कि जो है मेरे पास पर्चे भी रखे हैं बलरामपुर के, और दवा खा खा के मेरा दिमाग पता नहीं कैसा हो गया, उलझन वाला, सिर्फ खाली सोचता रहता हूँ मैं। तो आपने इस चीज की शिकायत किसी आला अधिकारी से की? आला अधिकारी से क्या, यही जो मुकदमे चल रहे इसी में जो है वो लोग अपना दबाव बनाते रहते हैं, वक्त से पहले जाके पैसा फेंक देते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। तो पुलिस आपके घर आती है, अभी तक किस किस को परेशान किया पुलिस ने? हम यहाँ पे टिकते नहीं, हम पुलिस से पहले निकल लेते हैं, वो तो हमको बनाए हुए ना कि मुजरिम, और घर वालों को जो उल्टा सीधा करते हैं, जिस हालत में भी मिले घर वाले पकड़ के ले जाते हैं।